तो थिएटर्स में एक फिल्म रिलीज हुई है किल नाम की, जिसे लोग एनिमल का बहुत बड़ा एक एक्सटेंडेड वर्जन बोल रहे हैं। आई मीन की एनिमल का बाप टाइप, ये शब्द थोड़ा ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई लोग जब एक्चुअली में ऐसी फिल्मों का कंपैरिजन करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा ना यहाँ से नहीं सोचते हैं बल्कि यहाँ से सोचना चालू कर देते हैं। एज लाइक कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ये मूवी रिलीज हुई है, कुछ सो कॉल्ड लोगों ने फर्स्ट ऑल तो इसको बॉलीवुड के नाम पे सपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है कि बॉलीवुड ऐसी मूवी बना रहा है तो सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के नाम पे ये इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना पर्सनल एजेंडा चलाने लगते हैं, और इन्हें लगता है कि पब्लिक सामने वाला जो आदमी है ना वो एक निखद्ध चूतिया आदमी है, कुछ भी बोलो कोई बात नहीं है, बंदा एक्सेप्ट कर लेगा। मैं बात कर रहा हूँ एनिमल और किल के बारे में, एक जो कंपैरिजन चल रहा है इस मार्केट के अंदर। किल मूवी के रिलीज के बाद से ही संदीप वांगा रेड्डी की मूवी के साथ इसे कंपेयर किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो रणविजय उन्होंने दिखाया था ना एक्चुअली में, वो तो मान लो एक अल्फा के नाम पर लौंडा ही था, छोटा मोटा सा। यहाँ पर असली अल्फा तो हमारे किल का ये लौंडा है, जो कि धड़ाधड़ काट रहा है, गर्दन वर्दन इधर लटकी जा रही है, इधर उधर सब कुछ हो रहा है। अब नो डाउट कि किल एक बहुत अच्छी मूवी है, ए वेल मेड मूवी, जिसके अंदर की सिनेमाटोग्राफी हो जाए या फिर उसके एक्शन सीक्वेंसेस हो जाए, हर वो चीज़ इतनी परफेक्ट है कि तुम्हें लगेगा कि हाँ ये इंडियन सिनेमा का माल नहीं है, किसी बंदे ने बाहर के ये बनाया, बस इंडियन एक्टर यहाँ पे बिठाए। एंड एक्चुअली में ऐसा है भी, क्योंकि वहाँ के स्टंट डायरेक्टर्स जो हैं इस मूवी के अंदर वो यहाँ से नहीं बल्कि फॉरेन से बिलोंग करते हैं। इस मूवी के रिलीज के पहले तो कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जॉन विक फ्रेंचाइजी के जो चाचा लोग हैं, यानी कि उनके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके मेकर्स हैं, वो लोग इस मूवी के राइट्स खरीद रहे हैं ताकि उसे हॉलीवुड में कॉपी किया जा सके। मतलब इस चीज से तुम समझ सकते हो कि फिल्म का स्टैंडर्ड क्या है, एंड एक्चुअली में ये मूवी कितना इम्पैक्ट डाल रही है लोगों के बीच में। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक बंदा जो है इस मूवी के अंदर लक्ष्य, जो कि एक न्यू कमर है, उस बंदे ने भी 1.5 करोड़ की ओपनिंग दी है, जो कि सेल्फी से 70-80 लाख रुपए थोड़ा कम होगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटर ही है। एंड संडे के दिन पे भी ये मूवी ग्रो कर रही है। बट अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के जरिए एनिमल के कंपैरिजन की। अब देखो, किल का नाम लेके जो लोग एनिमल को ट्रोल कर रहे हैं, फिर रणबीर कपूर को या संदीप वांगा रेड्डी को कि देखो ये पिक्चर तो इससे 100 गुना 200 गुना बेटर है, उन्होंने क्या वायलेंस दिखाया है, इसे कहते हैं असली पिक्चर, तो ये बिल्कुल वैसा ही कंपैरिजन है कि भाई कल को कोई बंदा आएगा और बोलेगा कि देखो सलमान भाई ने क्या बॉडी बनाई है, इनसे अच्छी बॉडी तुम्हारे टाइगर भैया की है। बेशक टाइगर साहब की बॉडी इस टाइम पे अच्छी होगी, अच्छे तरीके से उछल कूद करता है बंदा, पर वो बंदा बॉडी बिल्डिंग का आइकन माना जाता है, उसने उस ट्रेंड को स्टार्ट किया था, ठीक वैसे ही जैसे कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवी ने, यानी कि संदीप वांगा रेड्डी जिन्हें पर्सनली ट्रोल किया जा रहा है, उस बंदे ने 18 प्लस मूवीज के लिए इंडियन सिनेमा में कुछ रास्ते खोले हैं। इससे पहले कितने डायरेक्टर्स ने ये हिम्मत करी थी कि उन्हें 18 प्लस मूवी बनानी है, अनुराग कश्यप को छोड़ दो, हमारे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले, बट वो वायलेंस की वजह से नहीं, वहां पर जो गालियां वगैरह वो एक टर्न था, लेकिन उसके बाद भी कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर निकल के नहीं आया कि हमें जो है एक गॉरियस्ट मूवी बनानी है, तगड़ी एक्शन वैक्शन दिखाना है। जॉन विक को आए हुए कई साल हो गए हैं, बॉलीवुड में किसी ने आज तक नहीं सोचा है। ये संदीप वांगा रेड्डी का ही इन्फ्लुएंस है जिसके कारण लोगों को ये एहसास हुआ, ये यकीन हुआ उन मेकर्स को कि भाई हम ऐसी मूवी बनाएंगे तो उसके लिए मार्केट है हमारे पास। एंड आज वही हम देख रहे हैं किल के रूप में। इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे और भी बड़ी बड़ी मूवीज आएंगी जो ये कारनामा करेंगी। कबीर सिंह जब आई थी तो वो हिट हुई थी, 270 करोड़ के आसपास उसका हिंदी नेट से बिजनेस था, जो कि शाहिद कपूर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनी थी उनके करियर की। लेकिन जब एनिमल आई तो उसका जो इन्फ्लुएंस था, उस मूवी ने जो अपने आप को एक प्रेजेंटेशन दिया, एज लाइक कि वो एक्शन के नाम पे बेच रहे थे, पर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कुछ वल्गैरिटी वगैरह पे काम किया, बट स्टिल वो 18 प्लस की सिंगल ऐसी पिक्चर है जो 500 करोड़ के क्लब में है, या फिर 300 करोड़ से ज्यादा उसने बिजनेस किया है, सिंगल ऐसी मूवी। कबीर सिंह भी 300 करोड़ नहीं पहुंची थी। इस मूवी के बाद से ही लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक्चुअली में अगर तुम ऐसा कॉन्टेंट बनाते हो जो कि स्पेसिफिक एक ऑडियंस के लिए, तो उसके लिए भी ऑडियंस है, वो जाएंगे देखने के लिए। वरना हमारे यहाँ के मेकर्स क्या करते थे कि पिक्चर को 18 प्लस नहीं बनाना है। जैसे सिद्धार्थ आनंद को ले लो, उनकी मूवीज का क्या फंडा रहता है? पठान आई थी, इससे पहले वॉर आई थी, मूवी एकदम बढ़िया फैमिली के नाम पे है, पिक्चर के अंदर एक आध छोटी मोटी किसुस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होगी। इवन अभी तुम फाइटर ले लो, बट उसमें दीपिका पादुकोण की ड्रेस, मतलब वो बंदा इंटेंशनली चाहता है कि ऐसी पिक्चर बनाओ जिसमें मैं एक्ट्रेसेस को थोड़ा शो ऑफ करूं, लौंडो को थोड़ा चुम्मा चाटी, ये सब चीजें दिखाई जाए, पर वो डर रहे हैं कि उनको जो है ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन्हें लगता था कि हम पिक्चर के अंदर अगर एक्ट्रेस से थोड़ा ड्रेसिंग सेंस या एक आध गाना थोड़ा सा हल्का वल्गर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैमिली ऑडियंस आएगी, उसको 18 प्लस रेटिंग भी नहीं मिलेगी, एंड यंगस्टर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ पर ये लोग एक चीज भूल जाते हैं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर वाले उतने अच्छे लेवल के आदमी नहीं है कि भाई वो मंजूर करते हैं कि दीपिका पादुकोण जो है घूम रही है, झूमे जो, मतलब वो जो बेशरम रंग टाइप का गाना है, इवन की जो फाइटर के एकदम लास्ट में गाना आता है,
या फिर छोटी सी भी किसिंग सीन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ उस पिक्चर को देखने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक बार मैंने पठान चलाई थी अपने घर में एंड मेरे घर के एक व्यक्ति ने कहा कि भाई इस एक्ट्रेस की ड्रेसिंग सेंस है क्या, एक्चुअली में कैसे कपड़े पहनती है। मतलब बात वही हो गई कि अगर थोड़ी सी भी इंट्रोवर्ट है, पुराने ख्यालों की मूवी है, तो उस मूवी को स्किप करेगी, थिएटर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इससे अच्छा है ना कि अगर तुम्हें ये सब नौटंकी दिखानी है तो 18+ ही पिक्चर बना दो, या फिर एकदम शुद्ध बना दी तुम्हारे सलमान भाई की तरह आ जाओ कि एक किसिंग सीन नहीं। उस वजह से जो ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है उसी का रिजल्ट है कि किसी का भाई किसी की जान हो जाए, कितनी भी वर्स्ट मूवी हो जाए वो 100 करोड़ कर ही लेती है। संदीप वांगा रेड्डी एज ए पर्सन कैसे व्यक्ति है मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि एज ए डायरेक्टर बंदा जो है एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया इंडियन सिनेमा के अंदर। अब तुम एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, उसी के कुछ महीने बाद यानी कि एनिमल के कुछ महीने बाद सलार आई थी, प्रशांत नील भी एकदम जोश में आ गए कि अपन को 18+ रेटिंग मिल रही है, मिलने दो। हाँ, हालांकि सलार में थोड़ी वल्गैरिटी नहीं, बस वो पैर वैर काटने वाले ही सीन थे जिसकी वजह से 18+ रेटिंग मिली थी, बट वो जो कवरेज दिया वो संदीप वांगा रेड्डी ने दिया। इन सब चीजों के बावजूद भी जो एनिमल को जबरदस्ती ट्रोल करना चाहते हैं, संदीप वांगा रेड्डी को जबरदस्ती ट्रोल करना चाहते हैं रणबीर कपूर को, तो उनके लिए मेरा बस एक ही रहेगा कि